अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आओ तुम पेशाब पेशाब। क्या हुआ एकांश, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे समझाने के बावजूद तुमने फिर से वही हरकत की। मैं कहाँ है? महक, मुझे क्या पता। बकवास मत करो। जितना पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। अगर तुमने नहीं बताया तो मुझे जवाब उगलवाने के और भी तरीके आते हैं। त्रिशा, त्रिशा महक किडनैप हो गई है। क्या एकांश, सच में मुझे नहीं पता, मैंने कुछ डाला। पेट्रोल लेकर आओ। एकांश, मैं जो कुछ भी करती हूँ डंके की चोट पर करती हूँ, पर इस बार मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैंने सच में महक को कुछ नहीं किया। ये क्यों मांग रहे? मुझे जलाने की धमकी देने के लिए? तो फिर एक काम करते, मैं खुद ही अपने आप को जला देती हूँ। त्रिशा क्या कर रही है? ताकि तुम्हें यकीन हो जाए लो कि मैंने महक का किडनैप नहीं किया। त्रिशा पागल हो गई क्या? कहीं वो एडवाइजर पकड़ा तो नहीं गया, या फिर त्रिशा ने कोई नया कांड किया है, या महक उसे धोखा देकर भाग गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? प्लान तो हाथ से निकलता जा रहा है। तुम्हारे पास बस अभी कुछ ही सेकंड्स बचे। अगर तुम्हें अभी भी लगता है ना कि मैंने महक को किडनैप किया है, चलाने दो मुझे खुद को। और अगर नहीं तो सबके सामने मुझसे माफी मांगो। त्रिशा रुक जा, मत कर ऐसे, छोड़ दे ये सब। त्रिशा माचिस नीचे रखो। महक महक उठो। माँ जी, आप यहाँ? उठो। मैंने कहा था ना महक, सुनीता भाभी अपने ही फायदे के लिए कोई भी काम करती है। मुझे पता था तारा का सच सबके सामने आने के बाद वो तुम्हें सजा जरूर देंगी, इसीलिए मैंने उनका पीछा करना शुरू किया। तब जाके मुझे पता चला कि सुनीता भाभी ने चौटाला के साथ मिलकर तुम्हें किडनैप करने का प्लान किया है। लेकिन ये नहीं पता चला कि ये काम कौन सा शख्स करेगा। फिर मुझे ये नया लीगल एडवाइजर दिखा, तब मैं समझ गई। और
जैसे ही तुम इसके साथ में बाहर निकली ना, मैंने तुम्हारा पीछा किया और जल्दी से जाके डिक्की में छुप गई, और यहाँ आने के बाद मैंने इसे बेहोश कर दिया और बांध दिया। बुआ जी, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन आपने आपने इसको गाड़ी में ही क्यों नहीं बेहोश किया? अब वहीं से गाड़ी वापस घर ले जा सकती थी। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ लाके समझाना चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके इस परिवार से दूर चले जाओ। इस परिवार में रह के तुम्हारी जान पे सिर्फ खतरा बना रहेगा, समझो मेरी बात। नहीं बुआ जी, इस घर में सिर्फ तबाह करने वाले लोग नहीं, जान बचाने वाले लोग भी। कैसे छोड़ दूं मैं इस घर को, जहां आप जैसी बुआ है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। कैसे छोड़ सकती हूँ इस परिवार को, जहां अपनी पत्नी के लिए सीने पर गोली खाने वाला मिस्टर अग्निवंशी जैसे पति है। लोग खराब नहीं है बुआ जी, वक्त खराब है। मैं तेरे अच्छे के लिए कह रही हूं बेटा, इस परिवार से दूर चली जा, दूर चली जा, नहीं इसी में तेरी भलाई है। मेरे ही परिवार में मुझे चुनौती देने वाला ये कौन हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया। त्रिशा सही कह रही,